अप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया साईनाथ महाराज की जय बजरंग बली की जय बोलो सियापति राम चंद्र की जय लक्ष्मीनारायण भगवान की जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय बोलो शनिदेव महाराज की जय बोलो सूर्य भगवान की जय बोलो अम्बे मात की जय बोलो जिनानी माता की जय बोलो मुंबा देवी माता की जय बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय बोलो मैहर वाली माता की जय बोलो अष्टभुजी देवी की जय बोलो पावागढ़ देवी की जय बोलो वैष्णो देवी की जय बोलो सभी के माता पिता की जय बोलो सभी देवी देवताओं की जय बोलो सभी संतों की जय बोलो सभी भक्तों की जय बोलो भारत माता की जय बोलो हर हर सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि मैं जिस प्रांगण में बैठा हूँ एक बेहतरीन स्टूडियो खुला हुआ है, शुभकामना उस स्टूडियो का भी देता हूँ जिसमें आज एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, तो जो कि मधु मंजुल आर्ट्स जो कि बैनर का नाम है और प्रोड्यूसर हमारे धीरेंद्र कुमार झा जी हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं और पूरी टीम को शुभकामनाएं और सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं मेरे अजीज मित्र कुणाल तिवारी जी को जो कि इस फिल्म के नायक हैं और बेहतरीन काम करते हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, तो ढेर ढेर बधाई हो। इन चारों फिल्मों की भी ढेर सारी बधाई है, तू दिया और बाती काबिल और मैं दिल तुझको दिया रक्त चरित्र, तो ये सब फिल्में अपने आप में एक माइल्ड स्टोन की तरह इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम तैयार करेगी और अपना एक नाम तैयार करेगी, इसके साथ इससे जितने लोग जुड़े हैं वो सब अपना नाम करेंगे जी। तो कोरोना का टाइम है, भोजपुरी सिनेमा में चार चार फिल्में मतलब बनने के लिए तैयार हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल, जो कोरोना काल के बाद हमारी भोजपुरी उत्थान के दौर में है, मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर बंधु जो कि फिल्में बना रहे हैं तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे ही बनाते रहें, हम जैसे कलाकार कार्य करते रहें और पूरी टेक्नीशियन टीम जुड़ी रहे, क्योंकि देखिए जो अभी कोरोना के बाद का दौर है तो उस दौर में मुझे ऐसा लगता है हमारी भोजपुरी सबसे प्रथम पे है, क्योंकि काफ़ी शूटिंग चल रही है और काफ़ी लोग शूट कर रहे हैं और काफ़ी लोग तैयारियाँ और भी आने वाली समय में शूटिंग की कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, अमरीश सिंह तहे दिल से इस भोजपुरी को थैंक यू कहता है। और आपकी फिल्मों के बारे में कुछ बताएं? हाँ बिल्कुल, मैंने भी कोरोना काल में एक मेरी रुकी हुई फिल्म थी राजमहल, उसको कंप्लीट किया और वैसे ही तत्काल में माता रानी ने एक आशीर्वाद दिया और एक संजोग बना जो कि पूरी टीम मिलके एक फिल्म बनाई जिसका नाम है जय माँ विंध्यवासिनी, बहुत खूबसूरत ढंग से शूटिंग कंप्लीट हुई, उसमें मैं अजय नायक अंजना सिंह जी हमारे सहपाठी बड़े भाई गुरु समान के गोस्वामी जी, इसके राइटर ओम झा जी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी, मैं जितनी पूरी टीम की तारीफ करूँ उतना ही कम है क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि इतना जल्दी और इतने सबके मजबूती एकता के साथ ये फिल्म कंप्लीट होगी, तो मैं पूरी टीम को जय माँ विंध्यवासिनी की टीम को धन्यवाद कहता हूँ। और भी कई फिल्में हैं, थोड़ी सी माँ की तबीयत न ठीक होने की वजह से मैंने पोस्टपोन किया, बट अगले महीने से 14 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उसके बाद से कंटिन्यू फिल्में हैं जो हम सब मिलके पूरी टीम हमारी साथ में शूटिंग करेंगे और भोजपुरी में एक नए नए प्रोजेक्ट भी देंगे। कुणाल जी के बारे में क्या? कुणाल जी बहुत ही लगनशील व्यक्ति है, मैं उस व्यक्ति के बारे में जितना कहूँ कम है, मैं कुछ चीज़ें उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मुझे याद है मैं एक फिल्म कर रहा था पिछले एक साल पहले नागधारी, मैं और वो उस फिल्म में एज ए नायक थे और कई दुविधाओं से वो फिल्म ऐसा हो रहा था, क्योंकि जब हम काम करते होते हैं हीरो के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, एक्टिंग के साथ साथ ये भी होता है कि हमारी फिल्म कंप्लीट हो और कंप्लीट के साथ ये भी होता है कि हमारी फिल्म सिनेमा घर में लगे, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ नागधारी जो कि हमारे महेश जी हैं बैठे हुए, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने थिएटर तक पहुँचा दिया था और पूरी टीम प्रवीण गुदड़ी जी उसके डायरेक्टर थे और संजोग की बात है कि असंजोग की बात है उसके एक प्रोड्यूसर जो नहीं रहे इस कोरोना काल में भी जल्दी उनका इंतकाल हुआ,
तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। लेकिन फिल्म अच्छी चली है, अभी शायद जल्दी सेटेलाइट पे टीवी और चैनल पे भी आ जाएगी, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से रिलीज भी हो चुका है। तो कुणाल जी की बात रही, मैंने देखा है उस व्यक्ति को कि एक्टिंग के साथ साथ लोगों के दिल में भी बैठने की उसके अंदर एक क्षमता और शक्ति है। और कार्य तो बाप रे, जो कार्य हम ना कर पाए वो कार्य कुणाल तिवारी करता, तो कई बार मैं फ़ोन पर उससे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो एक बहुत ही मेहनती और लगनशील व्यक्ति है, और कुणाल के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। शायद आज ये चार फिल्म का पूरा श्रेय कुणाल तिवारी के ऊपर जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर बड़ा भरोसे से एक एक्टर और एक हीरो के ऊपर और पूरी टीम के ऊपर पैसा लगाता है। तो मुझे कहने में गर्व होता है कि हम अपने आप में कुणाल तिवारी बने और चीज़ों को सीखें और मेहनत से लगन से आगे बढ़ते जाएं। ये दहकती चहकती हमारे बीच में नायिका, कई फिल्में शायद इसमें से एक दो फिल्में ये भी कर रही हैं जो कि आज यहाँ पे विराजमान हैं। बाकी इनका काम और इनकी लगन, इनकी मेहनत आगे रंग लाएगी। आप अपना परिचय खुद दें, अपना नाम बताएं। ओके, तो नमस्कार पहले तो सभी को। और मेरा नाम प्रियांशु सिंह है, मैं हाल ही में इस इंडस्ट्री में एंटर की हूँ और लकीली मैं कुछ फिल्में इनकी कर रही हूँ कुणाल जी के साथ। तो इस वक्त तो इतना ही फ़िलहाल मेरे बारे में, बाकी धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या और करने वाली हूँ मैं इस इंडस्ट्री में। जी, आज चार चार फिल्मों का मुहूर्त है, तो जी कुणाल जी के बारे में क्या कहेंगे और कौन कौन सी फिल्में कर रही हैं आप? अभी मुझे एक्चुअली जहाँ तक पता है कि फ़िलहाल तो मैं ये काबिल और मैंने दिल तुझको दिया और तू दिया और बाती शायद मैं इनमें हूँ। काबिल तो कंफर्म है कि मैं कर रही हूँ, तो कुछ फिल्में इनमें से कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि चार चार फिल्मों की मुहूर्त में मुझे बुलाया गया, कुणाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मुझे एक्चुअली मैं सबका नाम बहुत अच्छे से नहीं पता, बट सबने मुझे इतना प्यार से बुलाया, सबने इतना मान सम्मान दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं आगे, और भी बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को अपनाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसी तरीके से भगवान से दुआ करूँगी कि आगे भी मुझे फिल्में ऐसी ही कुणाल जी के साथ करने का मौका मिले। भोजपुरी सिनेमा में आपने किसी को मित्र बनाया कि नहीं अभी? यहाँ पर जितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं स्टार में हैं, उनकी बात अगर करें तो अमरीश जी हैं, कुणाल जी हैं, हमारे के गोस्वामी जी हैं। यहाँ पर मैं इनके साथ भी एक फिल्म कर चुकी हूँ और इनसे मैं हमेशा मिलते रहती हूँ, बात करते रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा करिए ना दूर मत जा रहे हैं, मतलब ये झूठ है। मैं ये सच बताती हूँ, नहीं मैं सच बता रही हूँ, इस इंडस्ट्री में खुला है। नहीं नहीं अभी तक किसी और, अरे मुझे तो बोला से निकलते हैं ये बोल के कि केके जी से मिलने जा रहे हैं, अरे मिलने किसी और। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मतलब घर वालों के नजर में मैं मेरा नाम लेते हैं, लेकिन ये कई जगह चलिए मिला जुला कि ये ऑडियंस को पता चल गया है कि कहीं ना कहीं मित्रता बहुत गहरी है, इनके नाम को यूज किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनके नाम को लेके अपनी मंजिल तक पहुंचा जा रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। और दोस्त की बात रही तो ऑब्वियसली मेरी आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अभी तक इनको ही जानती हूँ। आज राज खुला जी, दोस्त अगर इस इंडस्ट्री में कहा जाए तो जैसा कि मैंने कहा कि नहीं हूँ, तो हालांकि यहाँ पे अभी इस वक्त तो सारे ही मेरे दोस्त हैं, मैं ऐसा कह नहीं सकती कि कोई मेरा दोस्त नहीं है। तो स्टार कहा जाए तो मुझे लगता है शायद जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री में एक काम कर लिया वो अपने आप में एक स्टार है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो सारे स्टार्स के साथ ऑलमोस्ट मेरी दोस्ती तो है ही, बट अगर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा क्लोज और वैसा, तो उस टाइप की बॉन्डिंग तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक मेरे सबके साथ दोस्ती है इस वक्त। तो और भोजपुरी में कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में आप? मेरी अभी रिसेंट एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है, लाल चुनरिया वाली पे दिल आए और, जो कि समर जी के साथ हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला फिल्म उन्हीं के साथ किया, उसमें मैंने एक सॉन्ग किया है, तो आई विश कि बहुत जल्दी वो रिलीज़ हो जाए। फिर मेरी एक फिल्म रिलीज़ भी हो चुकी है, सैया है नाड़ी, जो कि गौरव झा के साथ हैं। मैंने हाल ही में के जी के साथ मैंने कहा, जैसे कि उसमें पवन जी हैं, कैसे हो जाला प्यार फिल्म का नाम है, उसमें भी मैंने किया है, एक अच्छा सा कैरेक्टर है उसमें मेरा। एंड दो फिल्में मैंने लीड की है, एक फिल्म का नाम है मोरे साजन तेरे लिए, जिसके राइटर हमारे ओम जी रह चुके हैं, तो वो फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही जल्द आने वाली है, लोगों को देखने का मौका मिलेगा मुझे बहुत जल्द स्क्रीन के ऊपर। और
हाल ही में अब यही हो रहा है इस वक्त, अभी तो कंटिन्यू कोरोना में सारा काम हमारा रुक गया था, तो कोरोना के बाद तो सारे लोग लगे हुए हैं काम करने में, जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो देखते हैं आगे और कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स में करती हूँ। अभी आप पे इल्ज़ाम भी लग गया, तो अभी इल्ज़ाम कहाँ लगाया मैंने, वो तो अच्छी बात है ना जी, दोस्ती है तो। आज चार चार फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, तो कैसे देखते हैं भोजपुरी सिनेमा को इतना बड़ा? भोजपुरी सिनेमा को हम क्या देखेंगे, पूरी दुनिया देख रही है, और चार फिल्मों का जो चार चार फिल्मों का जो आज अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, एक्चुअली ये फिल्म का अनाउंसमेंट कम ऑफिस का है, और इन्होंने एडिटिंग डबिंग मिक्सिंग मतलब ऑल पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होता है उसका इन्होंने ओपनिंग किया है आज, और ये चार फिल्म का भी अनाउंसमेंट किया है बहुत जल्द। महेश जी लेके जा रहे हैं सबको आउटडोर, एक ही गाड़ी में हम लोग बैठने वाले हैं ऐसा इन्होंने बोल दिया गाने के लिए जा रहे हैं मतलब तो आपकी फिल्मों के भी यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल डेफिनेट, हम भी जो फिल्म करेंगे ये तो मित्र ही हैं, सो हम भी जो फिल्म करेंगे उनको राय देंगे कि अगर आपको यहाँ से मतलब बातें हो जाती है और आपका बजट होता है तो आप मिलकर काम कीजिए इनके साथ, इनके यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बैठने के लिए जगह है, कई जगह पोस्ट प्रोडक्शन करने जाते हैं तो बहुत कंजेस्टेड होता है, वहाँ बैठ नहीं सकते, और बहुत ही अजीब सा जगह होता है, बहुत स्मेल करता हुआ, मतलब बस उन्होंने बना लिया है कैसे भी पोस्ट प्रोडक्शन। ये पूरी तरह से एक पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर आप 30-40 आदमी बैठकर फिल्म को देख भी सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से यहाँ हिंदी टाइप का जो स्टूडियो होना चाहिए वो उसके लिए कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन का ये जगह है, कुणाल जी ने ये बनाया है, और चार फिल्में हैं, चारों फिल्म ये कंटिन्यू फिल्में करते रहते हैं। मैंने अभी तक इनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये कंटिन्यू फिल्में करते रहते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, और आज से नहीं बहुत पहले से ये हमारे मित्र हैं 7-8 साल से, और ये लेकिन हमने अभी साथ में काम नहीं किया है, पर ये अच्छे इंसान हैं और अच्छे हीरो हैं। ओम जी इसके राइटर हैं, ओम जी के की मैंने बहुत सारी फिल्में की हुई है, गैल भैंसिया पानी से अभी 2010 में मैंने किया था गैल भैंसिया पानी में, सो आज तक कुणाल जी ओम जी की फिल्में कर रहा हूँ। तो अभी कुणाल जी के साथ आप नहीं जुड़े हैं, लेकिन लग नहीं जुड़े हैं चारों फिल्मों में आप हैं इसमें? फिल्म में का मुझे पता नहीं, पर इन्होंने इनवाइट किया है विश करने के लिए, मैं इन्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, शुभकामनाएँ देने आया हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म में हर जगह हम या आप काम करें, बहुत जगह पर दूसरे लोग होते हैं, फिर बहुत जगह तीसरे लोग होते हैं, हमेशा हर जगह पर एक ही कोई भी एक्टर काम नहीं कर सकता है ना। तो और प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं? अभी तो अमरीश जी के ही साथ मैंने बहुत सारी फिल्में इधर 5-7 फिल्में किया हुआ है, जो सातों के सातों ऑन है। हिंदी फिल्म एक आ रही है द डार्क जंगल, और जय माविंद वासनी जैसा अमरीश जी ने कहा, यही सब चल रहा है। थैंक यू। नमस्कार, हम गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे, और आज बहुत खुशी की बात है कि काबिल तू दिया और बाती हम, मैंने दिल तुझको दिया और रक्त चरित्र का आज मुहूर्त है, और ये हम लोग फिल्म ये 25 से ऑन फ्लोर जा रही है, तो कुणाल जी को हमारी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद है, और आज गाने के रिकॉर्डिंग के साथ आज आलोक जी गा चुके, अब अलगा जी गाएंगी, तो आज इसका मुहूर्त है, तो पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और अलका जी सिंगर हैं, धन्यवाद। तो मुन्ना जी आज गाने का रिकॉर्डिंग में कुछ गाने के बारे में बताइए, फिल्म किस तरह की रहेंगी गाने को देखा जाएगा? देखिए रोमांटिक अच्छी फिल्म है, और गाने तो हम अभी बता नहीं सकते क्योंकि अभी पहले ही पता चल जाएगा तो फिर बहुत कॉपी आ जाते हैं उसका, तो गाने सब अच्छे से जैसे हम बनाते हैं अच्छे अच्छे गाने वैसा ही अच्छे से सब गाने हैं, और साथ में हमारी हीरोइन भी है प्रियांशु सिंह, काम भी कर रही हैं, तो
बस धन्यवाद सबको, और इसी तरह प्यार और दुलार सब देते रहें। चार फिल्में, कोरोना का टाइम है, मुहूर्त हो रहा है, कुणाल जी के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखने वालों को मेरा सादर प्रणाम है, और बिल्कुल बहुत बहुत बधाई है कुणाल जी को, चार फिल्में एक साथ आ रही हैं तो। और आज मैंने सुना है कि स्टूडियो भी एकदम न्यू है, लोटस स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं और उसका भी ओपनिंग है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई है। अच्छा, ये भी लेना है क्या? नहीं, इकट्ठे चार फिल्में हैं, बिल्कुल सभी एक से एक बढ़कर हैं। नाम ही अच्छा है तो फिर काम तो अच्छा हो गई, सीधी सी बात, डिसाइड होता है क्योंकि कुणाल जी की भी जितनी फिल्में बनी हैं उन सारी फिल्मों में इन्होंने गाया है। हाँ, अभी तक गाया अभी है तक, और आगे भी चारों में मैं गाऊंगी। हाँ, और आज मुहूर्त गाने के साथ भी आज गाई रही हैं, तो आप जो गाना गा रही हैं कुछ एक दो बोल हो जाए। बिल्कुल, अभी मैं जस्ट आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता क्या लिरिक्स है क्या म्यूजिक है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आपने पुराना कोई कड़का लगा दीजिए, पुराने तो बहुत सारे तड़के सबके साथ गाना गा दीजिए, दुआ का गाना गा दीजिए जो आपने गाया है, एक दुआ ऐसा में आप अपना हिट कोई गाना गा दीजिए, कोई भी गाना। कुणाल जी के स्टूडियो को देखते हुए इतना माहौल अच्छा है, प्यारा है, इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत स्टूडियो बनाया है और रियली बहुत अच्छा है, इसके लिए तो नो डाउट है। गाना तो क्या कहूँ, आपके और कितने गाने इसमें रिकॉर्ड होने वाले हैं इन फिल्मों को छोड़ के अलग से? फिलहाल तो अभी मैं जिस गाने के लिए आई हूँ, हाँ, अभी फर्स्ट फिल्म है, अभी अभी तो ये स्टूडियो स्टार्टिंग हो गया है, तो फिर स्टार्टिंग हो गया, हफ्ता हफ्ता सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी जस्ट आलोक गाए, उसके बाद ये आगाज़ अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। ओम जी, महेश जी क्या कहेंगे, फिल्में और साथ में स्टूडियो की ओपनिंग है, तो कुणाल जी के बारे में भी कुछ कहिए और फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। कुणाल जी से हमारी मुलाकात आज के लगभग 8-10 साल पहले, 5-6 साल पहले हो गया, गुंडे जब स्टार्ट किए थे तब मुलाकात हुई। उस फिल्म में हम साथ में जुड़े नहीं, मगर हम एज ए ईपी जो मेरा उनसे बातचीत हुआ तो हम लोग काम किए। उसके बाद नागधारी उनके साथ जुड़े, उसमें कुणाल जी और अमरीश जी दोनों हीरो हैं और समर भाई थे, प्रवीण जी डायरेक्टर थे, बहुत बेहतरीन फिल्म। मुझे कुछ काम मिला, वो काम को मैंने 100% कोशिश की और जो अच्छा रहा। उसके बाद हमारी कुणाल जी की एक दोस्ती और एज ए एक्टर और प्रोडक्शन का जो रिलेशन होता बहुत अच्छा रहा। उसके बाद रेगुलर वो फिल्में करते गए, एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, प्रेम कैदी, हीरिए, गुंडे 2, त्रिया चरित्र, अभी जस्ट कंप्लीट करके आए हैं हजारीबाग झारखंड से, पटना के बाबू और नैहर के चुनरी, इतनी फिल्में अभी लगातार कर चुके। अब नेक्स्ट 4 फिल्मों का अनाउंस हो रहा है। जब हमारी उनसे बात हुई यार कि हम लोग फिल्में इतनी बना रहे हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन भी हमारा अपना होता है, क्योंकि उस वजह से बहुत डिले होता है हमारे भोजपुरी में। पोस्ट प्रोडक्शन लगातार हम फिल्में कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है, अभी हमारे एक प्रोड्यूसर नहीं रहे मिस्टर अशोक शुक्ला जी स्वर्गीय, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत अमरीश जी का, कुणाल जी का बहुत, मतलब एक गार्जियन के तौर पे काम करते। मुझे जिस दिन पता चला, ऑलरेडी मैं शूट कर रहा था, आउट ऑफ बॉम्बे था, अगर मैं होता तो डेफिनेट मैं जाता उनके पास, उनके यहाँ जाता, जबकि और किसी से संबंध नहीं थे उनसे ही, जब मगर वो बहुत ही रियली गार्जियन थे और शायद हमसे ज़्यादा अमरीश जी के और कुणाल जी के रहे होंगे। तो उस बात का बहुत दुख है कि उनकी 2 फिल्में, 1 फिल्म बाहर आ गई। वो मुझसे सिर्फ यही बोलते थे कि महेश अरे कब थिएटर में टांगेगा, और वो जैसे ही मैं टांगने में आया, चलो उनके सामने बॉम्बे रिलीज हुआ, बिहार रिलीज होने से 2-4 दिन पहले मुझे उस बात का बहुत, हाँ, मगर दिल का रिश्ता नहीं हो पाया, जिसका मुझे बहुत मलाल है। और मगर जहाँ भी होंगे वो पुण्य आत्मा हैं, मैं उनके लिए भगवान से यही दुआ करूँ या रिक्वेस्ट रहेगा, प्रार्थना रहेगा कि उनको अपने चरणों में, श्री चरणों में जगह दें। और फिर भी इस दुनिया के क्या आगे बोलूँ समझ में नहीं आता, पर बाकी तो अच्छे दिन है। आज लोटस स्टूडियो, इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं धीरेंद्र कुमार झा जी हैं, ऑलरेडी उन्होंने भी 4 फिल्में बना चुके हैं, 5 फिल्में बना दी हैं एज ए प्रोड्यूसर 6 फिल्में, और ये 4 फिल्में और प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत ही मतलब नेक इंसान है और
मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो प्रोड्यूसर हैं। हमारे इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर दो तरीके के लोग आते हैं, एक भोजपुरी फिल्म बनाने आते हैं, फिल्म देखने आते हैं। जो देखने आते हैं, मेरा ऐसा मानना है 15-18 साल से जो प्रोडक्शन काम रहा वो देखते देखते चले जाते हैं, मगर उनकी यही खूबी अच्छी है, वो फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं, देखने की इच्छा नहीं। तो कहने का मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जो फिल्म बनाने आता है वो बनाता रहता है, वो इंडस्ट्री में रहता है और अपना एक पहचान बनाता है, जो देखने आता है वो देखते देखते चला जाता है, एक दो फिल्मों के बाद निकल जाता है। आगे की बात यह है कि लोटस स्टूडियो, इसमें टोटल पोस्ट प्रोडक्शन है, और सर ने बोला कि जब हम इतना साल में 6-8 फिल्म बनाना है तो अपना पोस्ट प्रोडक्शन रखते हैं, फटाफट फिल्में रेडी हो जाएंगी, कितना वो सब चीज़ें हम लोग प्लान करके, कुणाल जी ने इसमें बहुत मेहनत किया और आगे अभी स्टूडियो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। तो मैं यही बोल रहा था कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी लोगों को बोलूँगा कि एक्चुअली ये नॉलेज के लिए भी है कि लोटस स्टूडियो चालू हो गया, इसमें टोटल पोस्ट प्रोडक्शन है, एडिटिंग स्टूडियो 3-4 एडिटिंग स्टूडियो है, 2 डबिंग स्टूडियो है, DI है, VFX का काम है, फॉली है 7, और एक मिनी थिएटर भी है जो लोग प्रीव्यू फिल्मों का देख सकते हैं। बाकी ये 4 फिल्में हैं जिसका कार्यभार हमको ही संभालना है, ऐसे कंफर्म बोल रहा हूँ कि मुझे ही करना है। इस फिल्म का है तू दिया और बाती हम, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे संतोष मिश्रा जी, भोजपुरी के बड़े डायरेक्टर राइटर हैं, बाकी आप पूरी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है। दूसरी फिल्म है जो काबिल, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वही धीरेन्द्र कुमार झा जी, और मधु मंजुला आपको दिख ही रहा है बैनर, और इसके डायरेक्टर हैं हमारे संजय श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये है, ये फिल्म है मैंने दिल तुझको दिया, इसके राइटर हमारे ओम जी हैं, फिल्म बाकी फिल्मों के भी राइटर ओम जी हैं, और इसके डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी, 2 फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये भी बेहतरीन रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है जो लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये है रक्तचरित्र एक्शन मूवी, एकदम खतरनाक अलग तरीके का, इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं धीरेन्द्र कुमार जी भी, और डायरेक्टर भी हैं धीरेन्द्र कुमार जी, हाँ जी, कैमरा मैन हैं नागेंद्र जी, और राइटर भी हमारे ओम जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। आप लोग को आपको बताऊंगा कि मैं बहुत साल पहले लगभग 2006 में मैंने इनके साथ और पप्पू पास किया था, वही फर्स्ट फिल्म सर के साथ भी थी, के सर के साथ भी मेरी और पप्पू पास, उसमें एज ए एक्टर मैं रोल किया था, जितना रोल था उसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक डांस बीट बचा था, उसी दिन से प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। तो ये था, बाकी अभी एज ए EP कर रहा हूँ, सारे मुझे लगता है कि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का चाहता हूँ, बस ऐसे हमारे लोगों का बना रहे। बाकी धन्यवाद, बाकी ओम जी से आप लोग बाकी डिटेल आप जानिए। ओम जी क्या कहेंगे, बाकी डिटेल बताइए। अब मैं हट रहा हूँ, मेरे सभी दर्शकों को पढ़ना अच्छा भाई साथ में। कुणाल जी की लगता है कि फिल्मों का होम प्रोडक्शन राइटर में से एक राइटर मैं भी हूँ, लगभग इनकी जो 8-10 फिल्में हैं 5-6 फिल्में मैंने ही लिखा है, और अभी जो 4 फिल्में हैं 4 फिल्मों का राइटर मैं ही। कुछ कॉमन चीज़ें हैं, 4 फिल्म के प्रोड्यूसर एक ही आदमी है, 4 फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एक ही आदमी, 4 फिल्म के राइटर भी एक ही आदमी है, और हीरो भी एक ही आदमी है। एक कंसेप्ट है इसमें, जो स्क्रिप्ट है मैंने दिल तुझको दिया, बेसिक कंसेप्ट जो है महेश उपाध्याय जी का है, ये जरूरी नहीं था जो नहीं, जिसका जो प्रोडक्ट है बच्चा है उसको बोलना चाहिए, उसका हक है। इनका कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है जिस पर काम चल रहा है, और KK गोस्वामी जी मेरे परम मित्रों में से एक हैं, हम लोग 2002 से एक दूसरे को जानते हैं। अमरीश जी, कुणाल जी की मेरी पहचान नागधारी से हुई, उस फिल्म का भी राइटर में ही था, और दोनों आदमी बहुत ही डायनेमिक एक्टर्स हैं और अपने मुकाम की तरफ बहुत कोशिश कर रहे हैं, और माँ विंध्यवासिनी ने चाहा तो लोग अपने जो स्टारडम है उसको बरकरार रखेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। प्रियांशु सिंह, इनके बारे में जितना भी कहूँ कम है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, टैलेंटेड है। हम लोगों ने एक फिल्म साथ में की थी मोरे साजन तेरे लिए, उसमें ये नायिका थी, उसका राइटर और डायरेक्टर नहीं था, अच्छा काम की है, और ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए। तो सर आपके
पुरानी सिनेमा बहुत अच्छी रही है, ये सिनेमा किस तरह का लिखा है आपने? चार चार सिनेमा जो अभी, चारों कंसेप्ट अलग है, जो चारों कंसेप्ट का जूनर जूनर जो है अलग है, अर्घ चरित का अलग है, मैंने दिल तुझको दिया अलग है, तू दिया और बात ही हम, इसका जूनर टोटली डिफरेंट है। हम जब फिल्म देखेंगे तो हम 70 के 80 के दौर में पहुंच जाएंगे, दौर में उस तरह की फिल्में बनती हो ऐसा नहीं, हम 70 80 के दौर में हमारे देश का जो कल्चर था, जो रहन सहन था, वो वहाँ पहुँचेंगे। उस समय की कहानी है जो हमारे गाँव में होते थे, उस अवतारों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। और कुणाल जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं एक ही शब्द बोला कुणाल जी के बारे, ही डायनेमिक एक्टर, पोटेंशियल बहुत है उस शख्स में, और मेरी दुआ है, ईश्वर से कामना है कि आने वाले दिनों में अगर इंडस्ट्री पर एक छत्र राज करे तो कुणाल जी और अमरीश सिंह दोनों करें, कि इन लोगों ने जो स्ट्रगल करके अपने मुकाम बनाने की कोशिश की है, बहुत कम लोग होते, बहुत लोग एक्टर तो क्या बोलते हैं कि जो सिंगर्स होते हैं इनको माता रानी कृपा से आते हैं और स्टार बन जाते हैं, लेकिन जो सिंगर्स नहीं होते हैं अगर वे स्टार बनते हैं अपने पोटेंशियल के बल पे, तो उनका मुकाम अलग ही होता है, वो एक्टर होते हैं। यस, लेकिन सिंगर एक्टर नहीं होता है, और उन सिंगरों के बीच में अपने स्थान बना रहे हैं तो काबिल तारीफ है। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं धीरेंद्र कुमार सर। सर आज मुहूर्त है आपकी चार चार फिल्मों का। हाँ, आज हमारे चार चार फिल्मों का मुहूर्त है, मैंने दिल तुझको दिया, काबिल, तू दिया और बाती हम, और रक्त चरित्र। तो किस तरह सर आप इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, सुना है कहाँ शूट होगा कुछ इसके बारे में? इसका जो पहला फर्स्ट शेड्यूल होगा ये शायद 27 या 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा फर्स्ट शेड्यूल। ये हो सकता है कि कश्मीर, देहरादून, गैंगटॉक या फिर थाईलैंड, ये चार जगहों में से किसी में होगा। तो स्टार कास्ट के बारे में? स्टार कास्ट हैं इसमें कुणाल तिवारी हैं, काजल यादव हैं, विराज भट्ट हैं, अमित शुक्ला जी हैं और अदर्स। तो कोरोना का टाइम चल रहा है, कैसे प्लान किया आपने कि मैं इस वक्त महामारी के टाइम में चार चार फिल्में, और ख़ास करके भोजपुरी सिनेमा बहुत ज़्यादा शूट हो रहा है अभी? नहीं, हम सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमने कोरोना टाइम में भी दो फिल्में की हैं, पटना के बाबू, नैहर की चुनरी, ये दो फिल्में हमने की हैं जिसकी शूटिंग हमने हजारीबाग में की थी, और अभी हम सारे प्रिकॉशन जो मेजर हैं गवर्नमेंट के जो, वो सारे फॉलो करते हुए हम ये सब काम कर रहे हैं। और आज स्टूडियो का भी ओपनिंग हुआ है, तो इसके बारे में भी बताइए। स्टूडियो जी, हमने एक पोस्ट प्रोडक्शन का एक स्टूडियो डाला है, लोटस स्टूडियो, और यहाँ पर कैसा है कि मतलब हम, हमारी कोशिश है कि जो सब कुछ है आपको अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करें आपको, कि मतलब पोस्ट प्रोडक्शन आप शूटिंग करके आएँ और हमारे पास से सब कुछ कंप्लीट करके एक ही बार ले जाएँ, आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप एज ए प्रोड्यूसर इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं और अब ये चार फिल्म और कर रहे हैं, कहीं ऐसा लगा कि किसी फिल्म में आपको कोई परेशानी होती है प्रोड्यूस करने में? देखिए, परेशानी शुरू में होती है जब आप नए होते हैं, धीरे धीरे जब आप इसके जानकार हो जाते हैं तो कोशिश करते रहना चाहिए, लोगों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहोगे, आप फिल्म में हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो कैसा किरदार है, क्या मिला है आपको? अभी कुछ पता नहीं, बोल दो क्या बोलूं। बोलो, किरदार जैसा भी हो मैं करने का प्रयास करूंगा, बोल दो। और क्या किरदार जैसा भी हो करने का प्रयास? पूछिए क्या कहेंगे चाचा, बुला लो, ड्राइवर बुला के बैठा के। देखिए, भोजपुरी के लिए तो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि समय चल रहा है कि जिस तरह से कुणाल तिवारी फिल्म पे फिल्म किए जा रहे हैं, तीन फिल्में एक साथ हमने की, अभी चार फिल्में और हैं, आने वाले भी पाइपलाइन में कई सारी फिल्में हैं जिसकी चर्चा मैं सुन रहा हूँ, शुभकामना ही दूंगा, क्योंकि जैसा ये लोग फिल्म कर रहे हैं, गाने, कंटेंट और अभिनय तीनों अच्छे। और आज स्टूडियो का भी ओपनिंग किया है, ये तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ इनके तरफ से, क्योंकि हम अपनी फिल्में जब बनती थी तो कहीं और कुछ, कहीं कुछ और, आज सारी चीज़ें एक जगह पर बन होंगी, मतलब एडिटिंग से लेकर DI तक की चीज़ें, फिल्म आएगी और बन के निकलेगी तो एक अच्छे जगह पर सारी चीज़ें हो जाए तो अच्छी बात है ना। ये तो आप कैसे जुड़े हुए हैं फिल्म से, अपने बताएं? फिल्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ईपी साहब हैं हमारे, महेश उपाध्याय, एक्टर हूँ, अभिनेता तो हूँ मैं, लेकिन महेश जी बचपन से हमको जानते हैं, इन्होंने ही एक्टर बनाया है, बुला लेते हैं, कर लेते हैं।
सर आप बताइए कुछ अपने बारे में और चार चार फिल्मों का महत्व तो क्या कहना कुमार जी। जी मेरा नाम सागर है, प्रोफेशनली मैं कोरियोग्राफर हूँ, बट मेरी पूरी टीम मैं देख रहा हूँ कि इस फिल्म आपकी प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है और सभी अपने हैं, तो एक फ्रेंड सर्कल के हिसाब से मैं भी आया हूँ और बधाई देना चाहता हूँ सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी देना चाहता हूँ कि फिल्म अच्छी बनी है इनकी और अच्छी बन रही है, आगे आने वाला समय इनके लिए है और हम सबको चाहते हैं कि मिलकर काम करें और काफ़ी अच्छा काम करें। अच्छा, मेरा नाम सुदामा मिंद्रे और मैं कोरियोग्राफर हूँ। सबसे पहले तो मैं कुणाल जी को और धीरज जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज ये जो फिल्में मुहूर्त हुआ है सबके लिए बहुत अच्छा है और ख़ासकर हमारे लिए, तो मैं तो बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इस प्रोडक्शन हाउस में मुझे इतना काम करने के लिए मौका मिलता है और क्रिएशन करने के लिए मौका मिलता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते हैं यहाँ पे और काम करने का एकदम फ्रीडम है, जैसा करो वैसा, कभी कोई कुछ नहीं बोलते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो बोलते आप अच्छा करो और क्या। और मैं बहुत पहले से इनका कम से कम 8 फिल्में तो मैं कर चुका हूँ और अभी ये 4 फिल्म और है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। कुणाल जी को, पूरी टीम को, पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करके मुझे काम देते हैं। थैंक यू।